नमस्कार बैक टू चैनल बुद्धो टेक्निकल। आप सभी लोगों के साथ है। आप लोगों का बुद्धो ज्यादा बात बिल्कुल नहीं करके चला छोटे पी को शुरू करते हैं। कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स गूगल मैप्स की जो बहुत ही कम लोगों को पता है। नंबर वन, तो सिंपली आप लोगों को मैप में आने के बाद आपको जो लोगो है उस पर क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे की तरफ एक शेयर लोकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को शेयर लोकेशन का ऑप्शन दिया, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों का जो भी मतलब कि जो भी कॉन्टैक्ट है एड कॉन्टैक्ट, उसमें आप लोगों को सब कुछ दिखाएगा। आपकी मैसेजिंग, जीमेल, नियर बाई शेयर, कनेक्टिंग जो भी है आप लोगों को सब कुछ इधर दिखाएगा। उससे आपकी जो लोकेशन है आप इजीली इधर से शेयर कर सकते हो। और कितनी मतलब कि और के लिए आपकी जो रियल टाइम लोकेशन है उसको शेयर करना चाहते हो वो इधर ऊपर में आप लोगों को दिख जाएगा। फॉर 1 आवर आप लोगों को बढ़ाना है तो प्लस पे क्लिक करो, 2 आवर आप लोगों को माइनस पे क्लिक करते ही थोड़ा कम हो तो जाएगा 45 मिनट, ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा कम कर दोगे 30 मिनट ऐसे हो जाएगा। तो इजीली नंबर टू, आप ट्रेन में ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो सिंपली आप लोगों को मैप ओपन करना है। उसके बाद आप लोगों को इधर एक प्लेटफॉर्म है जो उस प्लेटफॉर्म पे सिंपली क्लिक करना है। इधर आप लोगों को आपके जो ट्रेन है लेटेस्ट जो भी ट्रेन है वो सब कुछ आप लोगों को इधर देखने को मिल जाएगा। कितना ट्रेन है, कितना ट्रेन लेट हुआ है, सब कुछ आप लोगों को इधर टाइम बाई टाइम सब कुछ, कितना भी ट्रेन आने वाला है, लास्ट ट्रेन कब है, ये सब कुछ आप लोगों को उस प्लेटफॉर्म का हर कुछ आप लोगों को इधर देखने के लिए मिल जाएगा। नंबर थ्री, तो अपनी इसी गूगल मैप्स में आप लोग स्ट्रीट व्यू देख सकते हो। सिंपली ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करो, उसके बाद आप लोगों को सिंपली नीचे की तरफ आ जाना है और आप लोगों को इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हटा के आप लोगों को सिंपली स्ट्रीट व्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों को ऐसे बैक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली जो जो डॉट डॉट दिख जाएगा उधर का स्ट्रीट व्यू आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। जो रोड का व्यू है सिंपली उस पर क्लिक करोगे आप लोगों को दिख जाएगा, ऐसा देख सकते हो जो स्ट्रीट है रोड है मतलब कि उसका व्यू आप लोगों को प्रॉपरली दिख जाएगा। इधर जी भी जो भी प्लेस पे मतलब कि क्लिक करोगे, मान लो ये इस पे जो डॉट है इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब सन का जो करंट मतलब कि रोड का व्यू है 360 डिग्री में आप लोगों को इधर दिख जाएगा। बहुत ही अच्छा जो क्वालिटी है उसमें आप लोगों को ये जो स्ट्रीट व्यू है वो दिख जाएगा। नंबर फोर, उसके बाद आप किसी भी प्लेस में हो उस प्लेस का आप लोगों को सैटेलाइट व्यू देखना है तो वो भी आप गूगल मैप में देख सकते हो। तो सिंपली आप लोग करना क्या है, सिंपली ये जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप लोगों को स्ट्रीट व्यू को हटा के आप लोगों को सिंपली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ही कर देना है। उसके बाद आप लोगों को सैटेलाइट में ऊपर आप लोगों को डिफॉल्ट के बाजू में आप लोगों को सैटेलाइट दिख जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आपका जो मतलब कि मैप है पूरा सैटेलाइट में ओपन हो जाएगा। उस साइड का कितने भी मतलब कि सैटेलाइट में जो जो कुछ भी दिखा रहा है आप लोगों को सब कुछ ये सैटेलाइट में देख सकते हो। बहुत ही अच्छी मतलब कि क्वालिटी का, आप लोगों को थोड़ा सा जूम करोगे तो आप लोगों को दिख जाएगा, मतलब कि ज़्यादा क्वालिटी अच्छा नहीं मिलेगा इतना ही अच्छा। ज़्यादा जूम करोगे तो थोड़ा सा जो पिक्चर है थोड़ा सा मतलब कि गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो जूम कर, क्वालिटी ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा इधर। नंबर फाइव, आप किसी भी प्लेस में मतलब कि नया गए उस प्लेस का आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है तो सिंपली उस प्लेस पे आप लोगों को गूगल मैप ओपन करना है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली किसी भी मतलब कि पोर्शन पे आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करते ही उस प्लेस का मतलब कि जो सकते हो ये इस प्लेस का आप लोगों को लेटेस्ट जो भी है जो भी होटल वगैरह है इस प्लेस का उसका प्राइस क्या रहेगा सब कुछ, लेटेस्ट एरिया का जो फोटो वगैरह है वो सब कुछ आप लोगों को इधर देखने के लिए इजीली मिल जाएगा। जो भी होटल वगैरह है आप लोगों को देख सकते हो वो सब प्राइस वगैरह भी, होटल नियर बाई आपका जो प्राइस वगैरह भी है और वो सब कुछ कितनी भी है वो सब कुछ आप लोगों को इधर देखने के लिए मिल जाएगा। नंबर सिक्स, उसके बाद तो आप लोग रोड पे ज़्यादा ट्रैवल करते हो मतलब कि बाइकर, आप बाइकर हो तो बाइक लेके ज़्यादा टाइम निकलते हो तो आप लोगों को सिंपली एक चीज़ आप लोगों को इधर हमेशा मतलब कि ये चीज़ गूगल मैप बहुत अच्छा करता है। आप मतलब कि जो भी लोकेशन वगैरह निकालते हो, ठीक है, मतलब मैंने 4 लेस से लोकेशन निकाला तो आप लोगों को एक चीज़ हमेशा इधर टोल का दिखाएगा, ठीक है। जो टोल है आप लोगों को इधर रोड पर कितना टोल है, किस भी रोड पर टोल है वो टोल, और जो रोड पर टोल नहीं है वो भी आप लोगों को दिखाएगा। तो सिंपली इससे आप लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि मुझे रोड पे टोल ही नहीं देना पड़ा लेकिन हम लोग गाड़ी निकल गए। नंबर 7, लोकेशन पे जाना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर आप लोगों को ये लोकेशन हमेशा दिख जाता है तो इसको आप इजीली चेंज कर सकते हो। सिंपली इस पर क्लिक करो, क्लिक करते ही आप लोगों को व्हीकल का आइकन दिख जाएगा, बहुत सारे व्हीकल आप लोगों को इधर आइकन मिल जाएगा 2-3 आप लोगों को। इससे मतलब कि बहुत ज़्यादा मुझे ये इंटरेस्ट लगता है जो कार का जो आइकन है ना इसमें, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप बाइक लेके जा रहे हो तो ये कार आप लोगों को ऐसे दिखा दिखा के लेके चला जाएगा। नंबर 8,
आने के लिए सोच भी रहे हो तो आप जरूर ताजमहल विजिट करोगे, तो वो जो लाइन से मतलब कि खड़े खड़े आप लोगों को टिकट कटने की अभी की जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपली गूगल मैप्स ओपन करो, उसके बाद ताजमहल हम लोग को मैम में जो ताजमहल का ऑप्शन दिख जाएगा तो उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिंपली ऊपर की तरफ करना है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली उसके नियर बाई जो भी बुकिंग वगैरह होटल वगैरह वो सब कुछ भी देख सकते हो, बुक कर सकते हो। और जो ताजमहल का टिकट है वो ताजमहल की वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, लेकिन आप trip.com से भी बाय कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट रहता है, आप गूगल मैप से आके चेक करोगे तो उधर से आप इजीली आपका जो टिकट है वो बाय कर सकते हो। नंबर ढाई तो सिंपली गूगल मैप्स ओपन करने के बाद आप लोगों को सिंपली सेव वाले ऑप्शन में आना है। सेव वाले ऑप्शन में आने के बाद आप लोगों को सिंपली एक्सपोर्ट टाइमलाइन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोगों को इधर सिंपली ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली ऊपर की तरफ करने के बाद आप लोगों को इधर आपका जो मतलब कि टुडे में मतलब कि आज का टाइम में आप किधर किधर विजिट किया, मैंने कोई भी मतलब कि विजिट नहीं किया किधर भी, इसलिए मेरा अभी नो विजिट दिखा रहा है टुडे। तो सिंपली करने के बाद आप लोगों को सिंपली टुडे पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी मतलब कि जनवरी में आप किधर किधर गए हो, ठीक है, 9th में, 10th में, 11th में, जो जो प्लेस पे आप गए हो सिंपली ये आप लोगों को गूगल मैप नोट करके रखता है। नंबर 10 तो सबसे पहले तो आप लोगों को गूगल मैप्स ओपन करने के बाद आप लोगों को जो लोगो है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोगों को इधर आप लोगों को एक ऑप्शन दिख जाएगा ऑफलाइन मैप्स का। तो ऑफलाइन मैप क्या होता है, ऑफलाइन मैप मतलब कि आपका जो इंटरनेट ऑन भी नहीं रहेगा तो आप जो भी मैप सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लोगे उसका हर एक डिटेल्स आप लोगों को इधर देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिलेक्ट योर ओन मैप पे क्लिक करो और उसके बाद थोड़ा सा ड्रैग बैक करके जितना भी आप चाहते हो उसको आप सिलेक्ट करो। आप लोगों को नीचे ऑप्शन दिख जाएगा कि कितनी MB का आप लोगों को स्पेस पड़ रहा है। उसके बाद सिंपली डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये जो मैप है आप लोगों को डाउनलोड होकर इधर आप लोगों को शो कर देगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करते ही आपका जो मतलब कि लोकेशन है वो आप लोगों को देखने के लिए इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेट ना रहते भी आप लोगों को आपका जो लोकेशन है वो आप लोगों को सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। हर एक रूट से लेके हर एक जो प्लेस है आप जो भी डाउनलोड कर रहे हो वो सब कुछ आप लोग को इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे मोर टेक्निकल टिप्स के लिए बुद्धू टेक्निकल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आगे बढ़ाओ ताकि आप लोग दोस्त है उन लोगों को भी पता चले। तो इस वीडियो में अब तक, मिलते हैं अगले किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू अगेन।